माल जो है जीएसटी जमा नहीं किया हुआ था, हम लोग क्लेम लिए हुए थे, तो 2018 का 17 का केस है, 18 का, हाँ तो उसी का अपील है, जीएसटी में हियरिंग है आज, आप फिर हाँ लेकर ठीक है के ठीक है, पूरा आप जमा करिए करना है उसको, ठीक है जी। ठीक है अशोक जी, ठीक है, अच्छी बात है, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छी बात है आपका, बढ़िया हाँ हाँ इसका जो हीलिंग है उसका रिजल्ट अच्छा निकले, हम यही चाहते हैं कि उसका जी बढ़िया और आपके फेवर के अंदर फैसला हो, आपके पक्ष के अंदर हाँ फैसला आप हो, हमारी यही हाँ जी जी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि भाई देखो हमारा कोई रेगुलरली कोई रोजाना तो हमारा ऐसे हाँ कोई कोई पार्क ऐसा नहीं नहीं हो है अंदर जाना ऐसे, था इसमें, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बावजूद ही बोलते हैं जो आप कोई है नहीं कि इसको केस को आप हैंडल कर सके, फिर वकील के क्या है, फिर वकील के साथ में जाना, हाँ तो फिर वकील से भी बात होगी, फाइनल हो गया है हाँ तब तो जाना पड़ेगा वहां पर, नहीं जाने से अच्छी फिर बात है, अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, अच्छी बात जी है, बढ़िया, लेकिन यदि आप आ सकेंगे आज की मीटिंग के अंदर तो बहुत ही शानदार रहेगा, जी बहुत बढ़िया बिल्कुल रहेगा, आप यदि वहां पर मीटिंग के अंदर शामिल होंगे, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है सुबह हम लोग 10 बजे शुरू कर देंगे, और जी उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स हैं जो कि एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर छोटी स्क्रीन रहती है तो उसके अंदर कुछ खास पता लगता नहीं है, नहीं आप लगता अपने वहां जी बड़ी स्क्रीन पर बड़े है ना, देखो जूम पर क्या होता है, जूम पर सीखने के अलग फायदे अलग नुकसान है, तो यहाँ पर कुछ खास कुछ ऐसा पता नहीं लग पाता है, इतना ज्यादा डिटेल में ऐसा कुछ पता नहीं लग पाता है, और वैसे भी गवर्नमेंट ने फिजिकल मीटिंग्स तो बंद कर रखी थी, होटल वगैरह बहुत लंबे समय से बंद चल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है, सब ठीक ठाक हो गया, तो ठीक है अब यहाँ पर हम लोग फिजिकल तरीके से यहाँ पर होटल के अंदर मिल रहे हैं, और वैसे भी कोविड जो है लगभग इंडिया से खत्म ही हो गया है, वैक्सीन भी आ गई जी है, इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर वन चल रहा है वैक्सीन लगाने के अंदर, इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर वन है, सबसे ज्यादा वैक्सीन जो लगी है वो इंडिया के अंदर लगी है, सो अच्छी बात है, यदि आप आ पाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और सिन्हा साहब आप भी वहां पर जरूर पहुंचे, 10 बजे वहां पर आप प्रोग्राम के अंदर मुलाकात करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा सर हमारे जी को थोड़ा सर, सा डाउटफुल जी, हाँ कोई बात नहीं करता सर। जी, तो आप भी वहां पर पहुंचे, 10 बजे का टाइम उधर का है, आप जरूर वहां पर पहुंचे और प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं, हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ नया सीखने का, नहीं रहेंगे मैंने अवेलेबल ये कहा रहेंगे खंडक साहब, मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल है, मैंने ये बोला था, क्या, मेरे को डाउटफुल है सर थोड़ा सा। अच्छा डाउटफुल है, कोई किसी तरह का दिक्कत आ रहा है क्या, अच्छा अच्छा तो हाँ बताएं, दिक्कत मैं नहीं आ रहा है जहाँ है किसी से, यार में आपने बताया और 10 बजे का, तो अच्छा 10-11 बजे का अपॉइंटमेंट उन्होंने दे दिया है, तो अब वो अच्छा फिर थोड़ी सी बात अच्छा तक कैश कर ली, थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर ठीक उसमें। है, आप देख लीजिए, आप यदि आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मैंने जी, सारा कुछ सर नोट किया, मेरी अपनी इच्छा है कि मैं थोड़ा शरीक हूँ, थोड़ा सा सीखने का वक्त सर मिल जाता है, मौका मिल जाता है राइट साथ बैठने का, तो मैं थोड़ा सा मीटिंग को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा, क्योंकि आपकी मीटिंग जो 2:30 बजे लंच तक चलेगी, 2:30 तक जी, चलेगी ना हाँ आपकी मीटिंग, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी तो थोड़ा सा मैं देख लूंगा सर। तो हाँ हाँ अभी बिल्कुल जरा आप जरूर, डाउटफुल, हमने अच्छा डाउटफुल बोला है, ऐसा नहीं कि हमारा प्रयास नहीं है, प्रयास है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, जी तो आप सर वहां पर आइए, बहुत ही अच्छा लगेगा, सभी को बहुत बढ़िया लगेगा, आप वहां पर पहुंचिए, जी सर और जी हरिराम सर जी आप भी आए जी, जरूर जरूर आप आइए, सेना साहब जरूर आप आइए, और हरिराम जी आप भी पहुंच रहे हैं ना समय से, हरिराम जी गुड मॉर्निंग, जी सर पहुंच जाऊंगा, गुड ठीक है मॉर्निंग हरिराम जी सर। 10 बजे पहुंचिए, हाँ एड्रेस आपके पास है, समय से आप पहुंचिए जी, और आपका सेल वगैरह हो पा रहा है, किसी कोई नया व्यक्ति से किसी से बातचीत वगैरह कर पा रहे हैं क्या, कोई डिस्कशन नहीं वगैरह, कोई इंश्योरेंस, हाँ जी वही बीओसी करवा देंगे आज। बीओसी कटवा दीजिए, बीओसी आप अभी कटवा दीजिए, बीओसी तो अभी हम काट देते हैं, 24 घंटे का हमारा काउंटर है, 365 दिन हमारा काउंटर ओपन है, जब आप कहेंगे तब हम बीओसी काट देंगे, आप जी वहां और बताएंगे हम बोलेंगे वहां तो पर देना पहुंच पड़ेगा जाएंगे, ना। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, बीओसी आप बनवा लीजिए, जब भी हमने किसी कस्टमर से पैसा लिया तो हमें पैसे का रसीद कस्टमर को तुरंत देना चाहिए, उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, जितना लेट हम रसीद देते हैं उतना खराब इंप्रेशन पड़ता है, जी तो
इसी वजह से LIC ने प्रीमियम पॉइंट और SBI पोर्टल और लाइफ पॉइंट ऐसा करके ना पर्सनल काउंटर्स बहुत सारे एजेंट्स को ये सब दे रखे हैं कि भाई आप अपने वाले जो काउंटर हैं आप ये काउंटर का पासवर्ड रखिए, आप अपने फोन से रसीद बना दीजिए, कस्टमर से आप मिले, आप लैपटॉप से डेस्कटॉप से तुरंत रसीद बना के, तो कस्टमर को बहुत ही शानदार इंप्रेस पड़ता है। कई बार तो ये होता है कि कस्टमर सरप्राइज हो जाता है, लगता है अरे इतना जल्दी रसीद बना के दे दिया, तो यकीन नहीं आता उसको। और इसी बहाने हम उसको बोल सकते हैं सर देखो अभी तो रसीद तो मिल गया ना, अभी आपको थोड़ा सा और बढ़ा लो, थोड़ा सा और अपना अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, ये सब हमको फायदा हो। सो अच्छी बात है, बढ़िया, हम लोग वहां पर मिलेंगे, बहुत बढ़िया। और अजय आपका आने का नहीं बना क्या? जी गुड मॉर्निंग अजय सर, नहीं हो पाया। अच्छा कोई बात नहीं, आप अभी तो कहाँ, बिहार में है ना? जी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपना ट्रिप कंप्लीट करके आइए। जब आप दिल्ली वापस, आपका दिल्ली वापस आने का कब का रहेगा अजय? सर कल का टिकट था वो कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, जब भी आप वापस आएंगे तो फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होगी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आप भी वहां पर आते, सभी लोगों के साथ आपका मुलाकात रहता ट्रेनिंग सेशन में, आपको भी अच्छा लगता, हमको तो खैर डेफिनेटली अच्छा लगने ही वाला था। सो कोई बात नहीं, जो भी अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, यहाँ पर तो हमारा मुलाकात रहता ही है डेली, हम लोग कोशिश करते हैं सुबह सुबह जूम मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ सीखने का हमारा डेफिनेटली कोशिश तो रहता ही है। आप यहाँ पर भी रेगुलरली आते हैं तो आपको इधर अच्छा लगता है कि नहीं सुबह सुबह के प्रोग्राम में? हाँ जी। अच्छा कैसे इवैल्यूएशन होना चाहिए? अभी हमने सीखा उसके बाद हमारा पॉलिसी बिका, मतलब कि हमारा जो सीखा वो बिल्कुल निशाने पर जा रहा है, बिल्कुल जो है ठीक ठाक चल रहा है। और यदि हमारा पॉलिसी नहीं बिका तो ठीक है कोई बात नहीं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोशिशों में समस्या सिर्फ इतनी सी है कि वो ना उसमें कोई ऐसा कोई मेजरमेंट उसका करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, या तो आप बल्कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो हमारा, हमें कोई ना कोई टारगेट बना के काम करें तो हमें ज्यादा आसानी से हमारे टारगेट पूरे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पर डे 1 मीटिंग का टारगेट रखें तो इस तरीके से ना हमारे टारगेट पूरे होने लगते हैं, ये रोजाना मेरे को एक मीटिंग करना है। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े एजेंट बने हैं, इवन भरत पारेख जो कि एक दिन बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करते थे, चप्पल तक खरीदने के पैसे नहीं थे, छोटे से 10x10 के रूम में 7 फैमिली मेंबर रहा करते थे, इवन वो भी यदि बड़े बने हैं, वो कह रहे हैं मेरा एक ही आदत की वजह से मैं टॉप एजेंट बना हूं, आज मेरे को 10 करोड़ रुपए कमीशन आता है LIC से। और वो बड़ी आदत क्या है कि भाई मैंने टारगेट बनाया नंबर ऑफ न्यू मीटिंग डेली मेरे को कितना करना है, तो मैंने पहले एक का टारगेट बनाया, रोज कम से कम एक को मिलना है, फिर 2 का बनाया, फिर 3 का बनाया, फिर 4 का बनाया, मैं नंबर ऑफ मीटिंग का ध्यान कर देता हूँ, फिर मैंने टाइमिंग का ध्यान किया कि रोज सुबह मेरी पहली मीटिंग कितने बजे होनी चाहिए, तो और जल्दी थोड़ा और जल्दी थोड़ा और जल्दी। आजकल हाल ये है वो कहते हैं सुबह 8 बजने के पहले मेरा पहला कस्टमर का मीटिंग हो जाता है, भले ही मेरा न्यू मीटिंग हो, नए आदमी से मिलूं, भाई भले ही मेरा फॉलो अप मीटिंग हो, नई पॉलिसी के लिए मिलूं या फॉलो अप के लिए मिलूं, तो हो जाता है मेरा सुबह 8 बजे के पहले मैं हो जाता हूँ। हमारी ब्रांच के अंदर भी आप जैसे अलग अलग एजेंट्स को आप जानते हैं और लगते हैं हमारा सेल हो जाता है, हमारा टाइम हो चुका है 8:10 तक, आज हमारा 10 मिनट का सुबह सुबह मुलाकात करने का था, वैसे भी हमारा 10 बजे वहाँ पर होटल के अंदर मीटिंग है ही, तो आप यहाँ पर आए बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे कोई भी साथी? नहीं तो हम लोग क्लोज करते हैं, कल दोबारा से मुलाकात करेंगे, कल फिर से हमारा एक बढ़िया सेशन के साथ हमारी सुबह की शुरुआत रहेगी, और कल के सेशन में आप जरूर आइएगा, उनका सेशन और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। तो 17 मार्च बुधवार का दिन है, 9:15 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे 40 मिनट के लिए, और कोशिश करेंगे कुछ नया कुछ और ज्यादा शानदार बढ़िया सीखने का। सो विश ऑल द बेस्ट आप सभी साथी, मैं तो यही चाहूंगा, मैं तो अभी भी यही चाहूंगा कि आप वहां पर होटल के अंदर यदि आ सकते हैं तो 10 बजे वहां पर आकर मुलाकात करें। Bye bye, see you, good day. Yes, thank you, sir. Okay, bye bye. Okay.